मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही एप्पल का लैपटॉप आया है जिसका मॉडल है A1990। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मोस्टली इसमें स्क्रीन वगैरह की आती है, पर इसमें जो प्रॉब्लम है वो मदरबोर्ड की है। कस्टमर ने हमें बताया इसमें कुछ लिक्विड गिर गया था, लिक्विड गिरने के बाद ये ऑन नहीं हो रही है मशीन। हम चार्जर भी लगा रहे हैं तभी भी ऑन नहीं हो पा रही है। हम दिखाते हैं चार्जर लगा के भी, ये हम चार्जर लगा रहे हैं इसमें। चार्जर लगाने के बाद भी हमारी मशीन ऑन नहीं हो रही है, तो हम दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है, कहां पे क्या इशू हो सकता है और हम उसको कैसे चेक करते हैं। स्क्रू बड़ी सावधानी से खोलने होते हैं इनके, कभी कभी क्या होता है हमारा पूरा घूम जाता है स्क्रू, बहुत जल्दी खराब होता है इसका। एप्पल के स्क्रू बहुत जल्दी खराब होते हैं, ऊपर से इसकी ये जो होती है टोपी वो जल्दी गोल हो जाती है, तो स्क्रू बहुत ही सावधानी से खोले, झटके से ना खोले, धीरे 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 करके खोले। और इसको खोलने में एप्पल के जो अब लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं उनमें लॉक होते हैं, उन लॉक को बड़े ध्यान से खोलना होता है। यहाँ पे इसमें लॉक होता है, किसी पतली चीज से हम उसको प्रेस करेंगे तो ये खुल जाता है, फिर इसको हमें स्लाइड करना होता है, लॉक होते हैं इसमें। अब हम पीछे से इसको प्रेस करते हैं तभी हमारा बाहर निकलता है ढक्कन। ये आप देखोगे इस पे कुछ लिक्विड वगैरह गिरा हुआ है इस टाइप, ये देखो यहाँ पे भी गिरा हुआ है। ये देखोगे पूरे लैपटॉप पे कुछ लिक्विड गया हुआ है इस पे। तो क्या होता है जब लिक्विड गिर जाता है? हमने आपको पहले भी वीडियो में बताया मोस्टली लैपटॉप जो होते हैं खराब ये इसके लिक्विड गिरने से ही खराब होते हैं एप्पल के लैपटॉप। तो इसमें लिक्विड गया हुआ है, वही चेक करते हैं एक बार कि हमारी शॉर्टिंग कहाँ पे हुई है। भी चेक कर रहे हैं कि सप्लाई आ रही है हमारे इस पे मशीन में जहां से सप्लाई एंट्री होती है। ये आप देखोगे हमारी एंट्री तो हो रही है, सप्लाई तो एंटर हो रही है, 12 बोल्ट अंदर आ रहे हैं। तो इसमें क्या है, मदरबोर्ड में प्रॉब्लम है, मदरबोर्ड में पावर सर्कुलेट सही से नहीं हो रही है, वही चीज हमें इसकी चेक करनी है जो स्टेप बाय स्टेप चेक होती है। हम इसको ऑन कर रहे हैं तो हमारी मशीन ऑन नहीं हो पा रही है, तो स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करना है कि कहाँ पे मदरबोर्ड में कहाँ तक पावर आ रही है कहाँ तक नहीं आ रही है, उसी से फॉल्ट डायग्नोस होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि हम इसको रिपेयर कैसे करते हैं।